सत श्री अकाल जी पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हो तुसी मैं हाँ थोड़े नाल मनप्रीत बुलेटिन दा करते हैं आकाश अज शहीद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु दा शहीदी दिहाड़ा मुल्क शहीदा दी शहादत नूं नमन कर रहे शहीदी दिहाड़े मौके मुख्यमंत्री दे वल्लों पंजाब भर दे विच सरकारी छुट्टी दा ऐलान भी कीता गया ते दूजे पासे अज मुख्यमंत्री भगवंत मान खटकल कलां विखे शहीदा नूं श्रद्धांजलि देणगे नाल ही हुसैनी वाला दे विच शहीदा दी याद विच लगण वाले मेले दे विच भी शमूलियत करनगे। दूजे पासे अज सारयां दी नजर भ्रिष्टाचार मुक्त सरकार दे वल आम आदमी पार्टी वालों चुके जा रहे कदम ते भी रहेगी क्योंकि अज ही मुख्यमंत्री भगवंत मान दे वल्लों एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा ते दावा है कि मुख्यमंत्री अपना निजी नंबर जारी करेंगे जिससे आम लोग भ्रिष्टाचार खिलाफ अपने शिकायत दे सकेंगे। मार्च 1931 असेंबली में बम मैं फेंकूंगा। भारत की आजादी के इतिहास का वो दिन जिसने आजादी लिए जारी संग्राम की दिशा ते दशा बदल दी सी। शहीद आजम भगत सिंह सुखदेव थापड़ अते राजगुरु दी शहादत ने आजादी दी लड़ाई नू नवा मोड़ दिता। जेल दी चार दीवारी विच बंद शहीद आजम भगत सिंह आजादी दी लड़ाई दा ओ नायक बन चुका सी। माफ करना पाजी, ना तो मुझे मौत का खौफ है पर ना ही रब का यकीन। जिस तो ब्रिटिश सल्तनत खौफ ज्यादा सी ते घबराहट ऐसी सी कि उस आवाज नू हमेशा लई खामोश करन लई तय वक्त तो 12 घंटे पहला ही फांसी देने का फैसला किया गया। तेई मार्च 1931 की शाम नूं जदों शहीद आजम नूं फांसी लाउण वास्ते लैण नूं आए तां उस वक्त भगत सिंह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे सी। कर्मचारी नूं कहा थोड़ा ठहर जा, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी नूं मिल रहा है। आखिरी लाइन खत्म की ते जान नूं तैयार हो गए। जद कर्मचारी ने हथकड़ी लगाउण लई बहां अगे करन नूं कहा तां भगत सिंह ने जवाब दिता सी, असी आप फांसी दे तख्ते ते चल के जावांगे, जमाना देखेगा कि भारत दा नौजवान अपने देश दे आजादी दे लई किवें हस हस के फांसी दे रस्सियां नूं चुम सकदा है। सरदार भगत सिंह ने कुछ कु सालां विच ही विश्व प्रसिद्ध लेखकां विद्वानां जिन्हां विच गोरकी, रूसो, विक्टर ह्यूगो, डिंग्स, मार्क्स, एंगल्स, लेनिन, पैट्रिक हेनरी आदि दा अध्ययन कर लिया सी। जिवें ही जेल दी घड़ी दे 6 बजदे तां कैदियां ने दूरों आउण वाले कुछ कदमां दी आवाज़ दे नाल ही इह वी आवाज़ आ रही सी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। 23 मार्च समा शाम 6 बजे। जिवें ही जेल दी घड़ी विच 6 बजे तक कैदियां ने दूर तो पैरां दी थाप सुनी। फांसी दा तख्ता पुराना सी, फांसी देन लई मसीम जल्लाद नू लाहौर दे शहादरा तो मंगवाया गया सी। भगत सिंह विचकार खड़े सन, जल्लाद ने एक एक कर रस्सी खिंची ते उन्हां दे पैरां हेठ लगे तख्तियां नू पैर मार के हटा दिता। काफी देर तक उन्हां दीआं देहां तख्तियां ते लटकदियां रहियां। अंत उन्हां नूं हेठां उतारिया गया ते उत्थे मौजूदा डॉक्टर लेफ्टिनेंट कर्नल जे जे नेल्सन ने उन्हां नूं मृतक ऐलान दिता। एक जेल दे अधिकारी ते इस फांसी दा इन्ना असर होया कि जदों उस नूं मृतकां दी पहचान करन नूं कहा तां उसने अजिहा करन तों इनकार कर दिता। उस नूं उस समय मुअत्तल कर दिता ते एक जूनियर अफसर ने यह काम किया। पहला योजना सी कि इन्हां तिन्नां दा अंतम संस्कार जेल दे अंदर ही किया जावे, पर जदों अधिकारियों नूं लगा कि जेल तो धुआं उठता देख जेल दे बाहर खड़ी भीड़ जेल ते हमला कर सकती है तां इस योजना नूं बदल दिता गया। इसलिए जेल दी पिछली कंध तोड़ी गई
उसे रास्ते तो एक ट्रक जेल दे अंदर लियांदा गया ते उसते मृतक देहां नूं रावी तट ते संस्कार कीता जाना सी पर पानी घट होण कारण सतलुज दे कंडे संस्कार करन दा तय कीता गया। लोकां दे इकट्ठ तों डरदियां जेल दी पिछली दीवार तोड़ के भगत सिंह अते उसदे साथियां दीआं लाशां सेंट्रल जेल दे चोर रास्ते लाहौर तों फिरोजपुर लिया हुसैनी वाला सतलुज दरिया दे कंडे ते जला दित्तियां गईआं। फांसी समय भगत सिंह दी उम्र 23 साल 5 महीने अते 27 दिन सी। अज दे सियासतदान बेशक उन्हां शहीदां दी शहादत तों अणजाण हन जिन्हां वल्लों आपे नूं वार मुल्क आजाद करवाया। अज जिस आजाद फिजा विच ओ सियासी सत्ता दा सुख मान रहे हन पर उन्हां शहीदां तों कोरा अणजाण होना शहादत दा अपमान है। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान फिरोजपुर के हुसैनीवाला विखे शहीद भगत सिंह राजगुरू सुखदेव की याद में होने वाले समागम शहीदों को श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे हैं। इस समागम के लिए जिला प्रशासन वालों पूरी तैयारी की जा चुकी है। शहीदी समारक को केसरी रंग के थीम के नाल पूरी तरह तैयार किया जा रहा है। चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही एक बाकी निशान होगा। 23 मार्च को शहीद आजम सरदार भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का जड़ा है शहीदी दिहाड़ा हुसैनी वाला बड़ी धूमधाम मनाया जाए जिते देशों विदेशों तो लोग जोड़ा है इन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि देना आते दे, जिन्होंने देश की खातिर आदि छोटी उम्र की जड़ी अपनी जाना दे मार दी। उस अज खल खास तौर पर पंजाब के नवे बने सीएम भगवंत मान फिरोजपुर हुसैनी वाला इस इन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि देने आ रहे हैं। जिला प्रशासन वालों पूरी तरह जिहड़े इत्थे तैयारियां कीतियां मुकम्मल कर लईआं गईआं है। हुसैनी वाला जगह के उत्ते समाध दी थां ते सारे रंगां नूं जिहड़ा केसरी रंग दे नाल रंगिया गया। टेंट दी जिहड़ी थीम हैगी है उह केसरी रंग है वाइट कलर दे विच नाल है। फुल जिहड़े है उह वी पूरी तरह केसरी दे फुल्लां दे नाल सजावट इत्थे कीती जा। इन्हां शहीदां नूं श्रद्धांजलि देण तों बाद इत्थे आम पब्लिक नूं जिहड़ा बैठन उधर संबोधित वी करनगे और उस तों बाद जिहड़ा है इत्थों रवानगी पाणगे क्योंकि उन्हां दी सोच दा पता लग गया कि उन्हां ने पहले विधानसभा दे पहले सत्र दे विच जिहड़ा है 23 मार्च नूं सरकारी छुट्टी की घोषणा की है। राजेश कटारिया जी मीडिया फिरोजपुर। पंजाब विधानसभा दे विच नवे मुख्यमंत्री भगवंत मान ने शहीद भगत सिंह दे शहीदी दिहाड़े मौके छुट्टी का ऐलान भी किया ते नाल की नवी सरकार ने विधानसभा दे विच शहीद भगत सिंह डॉक्टर अंबेडकर ते महाराजा रणजीत सिंह जी दे बुत नूं लगाउण दा मता भी पास किया। शहीद आजम सरदार भगत सिंह राजगुरु सुखदेव होना की बरसी है तो सिर्फ नवांशहर के छुट्टी होंगी सी। शहीद आजम कल नवांशहर के नहीं सिर्फ पूरे देश के ने सो असी पंजाब सरकार वालों कल नूं पूरे पंजाब दे विच छुट्टी आते एक कह के ताकि बच्चे स्कूलों के कॉलेजों के नौजवान मुंडे कुड़ियाँ उन्होंने टीचर उन्होंने मापे हुसैनी वाला या खटकर कल जाके उन्हां दी जिंदगी बारे कुछ पढ़ के आऊँ तो कल में छुट्टी लगा। इस तरह के महान शख्सियतों को हमेशा याद रखना चाहिए तो उन्हां दी जिंदगी को सेध लेनी चाहिए है। इसलिए इस सदन राज सरकार को पुरजोर सिफारिश करता हाँ कि शहीद भगत सिंह अते डॉक्टर भीम राव अंबेडकर जी के बुत पंजाब विधानसभा लाए जाने लई योग कार्रवाई की जा सके जो लोगों के नुमाइंदे उन्हां को सेध लै सकन ते निर स्वार्थ भावना नाल श्रद्धांजलि देने पहुंच रहे ने। समागम जिला प्रशासन वालों तैयारी पूरी तरह मुकम्मल की जा रही है। शहीदी समारक नूं केसरी रंग के थीम पूरी तरह तैयार किया जा रहा है। चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही एक बाकी निशान होगा। कल 23 मार्च को शहीद आजम सरदार भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का जड़ा है शहीदी दिहाड़ा हुसैनी वाला बड़ी धूमधाम मनाया जाए जिते देशों विदेशों तो लोग जोड़ा है इन्हों शहीदों को श्रद्धांजलि देना आते दे, जिन्होंने देश की खातिर आदि छोटी उम्र की जड़ियाँ अपनी जाना दे मार दी। उस अज खल खास तौर पर पंजाब के नवे बने सीएम भगवंत। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान किया। शहीद भगत सिंह के शहीदी दिहाड़े मौके एक बड़ा ऐलान किया गया। शहीद भगत सिंह के
नाम ते रखा जाएगा दिल्ली के सैनिक स्कूल का नाम ते अज शहीद भगत सिंह राजगुरु ते सुखदेव दा शहीदी दिहाड़ा। आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। शहीदी दिहाड़े मौके अरविंद केजरीवाल का बड़ा ऐलान। शहीद भगत सिंह के नाम से रखा जाएगा दिल्ली के सैनिक स्कूल का नाम। दिसंबर पिछले साल 20 दिसंबर 2021 को हमने कैबिनेट ने निर्णय लिया था और हमने ऐलान किया था कि दिल्ली में एक स्कूल बनाएंगे, ऐसा स्कूल बनाएंगे जहां पे बच्चों को फौज में भर्ती होने की ट्रेनिंग दी जाएगी। उनको ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो एनडीए में, नेवी में, एयरफोर्स में भर्ती हो सकें। उसके लिए उनको तैयार किया जाएगा, एक स्पेशल किस्म का स्कूल तैयार किया जाएगा। उस स्कूल का नाम हमने तय किया है कि उस स्कूल का नाम शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर रखा जाएगा। उस स्कूल का नाम होगा शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल। शहीद भगत सिंह आर्म्ड फोर्सेस प्रिपरेटरी स्कूल। कांग्रेस विधायक राजा बड़िंग आम आदमी पार्टी से पलटवार है। अरविंद केजरीवाल का पुराना ट्वीट साझा किया है, क्या है कि 27 या फिर 28 केड़ी है भगत सिंह दे जन्मदिन की तारीख, केजरीवाल या भगवंत मान कौन सही। कांग्रेसी विधायक अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग ने शहीद भगत सिंह दे जन्मदिन नु लेके मुख्यमंत्री भगवंत मान तो सवाल पूछे। उन्होंने ट्वीट करदे लिखा है कि भगवंत मान जी जानकारी ना होने नालों भी माड़ा हुंदा दी जानकारी होना। शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन 27 नु है या फिर 28 नु, सही कौन है तुसी या केजरीवाल? लेकिन छुट्टी मेरा ख्याल शहीद आजम भगत सिंह नु दे नाम नाल देनी ठीक है, वो नवा शहर छुंदी है और इन्हें कोई बहुत ही मैं समझता कि श्रद्धांजलि अर्पित नहीं हो। तो पता है कि शहीद आजम भगत सिंह का जन्मदिन कब होगा? मुख्यमंत्री भगवंत मान वालों शहीदी दिहाड़े ते सरकारी छुट्टी दे ऐलान ने सियासी तरातल ते हलचल लिया दिती है। विधानसभा च मुख्यमंत्री दे ऐलान मगरों सीएम भगवंत मान ते राजा बड़िंग आमो सामने हो गए ते छुट्टी दे ऐलान नु लै राजा बड़िंग ने कहा कि शहीदी दिहाड़े मौके बच्चियां नु शहीद आजम बारे पढ़ाया जावे, जिस नु लै भगवंत मान ने राजा बड़िंग तो ही सवाल पूछा कि तुसी दसो भगत सिंह दा जन्म कदों होया सी, जिसका जवाब राजा बड़िंग नहीं दे सके ते मुख्यमंत्री मान ने तंज कसदिया कहा कि कमाल है थानू भगत सिंह दे जन्म दिहाड़े बारे नहीं पता। मान साहब ने कहा, स्पीकर साहब मुख्यमंत्री साहब ने कि वो पिछली बार ये बदलता सी शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानी के अगे तो सारी दुनिया का सिर चुक है, बेशक वो पिछली सरकार सी, बेशक होने वाली है, बेशक आने वाली है। लेकिन छुट्टी मेरा ख्याल शहीद आजम भगत सिंह नू दे नाम नाल देनी ठीक है, वो नवा शहर छुंदी है और इन्हें कोई बहुत ही मैं समझता कि श्रद्धांजलि अर्पित नहीं होनी। चंगा होगा कि जे असी छुट्टी की बजाय उस दिन स्कूलों कॉलेज ऑफिस के शहीद आजम के नाम के बारे लोगों को दसिया जाए, कई जड़िया बच्चे है पीढ़ियां है किदा कुरबानी की, कितने कितने जेलों च रहे, साढ़े वाले चो नहीं पूरे पता कि कितने कितने होया। मैं लगता कि मेरी बेनती है मुख्यमंत्री साहब के बारे राही कि उस दिन अगर पूरा दिन सीएम साहब राजा जी ये भी मेरे दिमाग च है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਕਮਾਲ ਹੈ ਯਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਨਮਦਿਨ ਕਦੋਂ? 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ। 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਕੋਰੀਓਗ੍ਰਾਫੀਸ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਨਾਟਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, 28 ਸਤੰਬਰ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ। ट्वीट राही अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग ने आम आदमी पार्टी ते पलटवार करदिया अरविंद केजरीवाल दा पुराना ट्वीट सांझा कर दिता ते लिखिया कि भगवंत मान जी जानकारी ना होण नालों भी माड़ा हुंदा है अद्धी जानकारी होना। शहीद आजम भगत सिंह दा जन्मदिन 27 नू है जा 28 नू, सही कौन है तुसी जा केजरीवाल जी? शहीद भगत सिंह दे शहीदी दिहाड़े ते जन्मदिन दी तारीख नु लै सियासतदान आमो सामने हुंदे नजर आ रहे ने, जिस नु लै विधानसभा च उठिया मुद्दा सोशल मीडिया तक पहुंच गया। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।